नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए कई देशों ने वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया है। इसमें भारत और चीन भी एक हैं। भारत में बड़े पैमाने पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और स्वदेशी वैक्सीन को लगाने का काम चल रहा है। परंतु इस वक्त वैक्सीनेशन से ज्यादा चर्चा वैक्सीन के बाजार में बढ़ती भारत की लोकप्रियता की हो रही है। जहां एक तरफ कई देश भारत की वैक्सीन पर भरोसा जता रहे हैं और लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, वहीं चीन वैक्सीन मार्केट से सफाया होने की तरफ बढ़ रहा है। चीन द्वारा कोरोना वायरस की अहम जानकारियां छिपाने जैसे गंभीर आरोपों के बाद दुनिया के देशों का उस पर विश्वास कम हुआ है। इस तरह के सवालों के उठने से चीन की वैक्सीन को लेकर भी झटका लगा है। अब ज्यादातर देश ड्रैगन की वैक्सीन की जगह भारत को टीके के ऑर्डर दे रहे हैं। परंतु इसके पीछे केवल यही कारण नहीं है, बल्कि ऐसी वजह है जिन्होंने भारतीय वैक्सीन को दुनिया का सबसे बेहतरीन वैक्सीन बना दिया है। यहां तक कि भारत का पैदाइशी शत्रु पाकिस्तान भी भारत से वैक्सीन मिलने की उम्मीदें लगा रहा है। दरअसल ब्राजील, कंबोडिया जैसे कई अन्य देशों ने या तो चीन से कोरोना वैक्सीन खरीद ली थी या फिर उसका ऑर्डर दिया था, लेकिन अब यही देश भारत से कोरोना का टीका ले रहे हैं। ब्राजील को कॉमर्शियल सप्लाई और अनुदान सहायता के लिए भारत को लगातार अनुरोध मिल रहे हैं। वहीं इसमें तेजी तब से आई है जब से 7 पड़ोसी देशों के लिए कोविशील्ड की 50 लाख डोज दी गई है। भारत की वैक्सीन पर लगभग 92 देश अपना विश्वास जता रहे हैं, जबकि चीन की वैक्सीन से लोग दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चीन की वैक्सीन न लेने के पीछे इसके प्रभावी न होने की वजह है। बात ब्राजील की करें तो यहां चीन की वैक्सीन कोरोनावैक ट्रायल में 50% का लगभग प्रभावी हुई है, जिसके बाद से इस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। जबकि इंडोनेशिया में हुए ट्रायल में चीनी वैक्सीन 65.3% असर दिखा पाई। चीन की वैक्सीन सिनोवैक के कई देशों में ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस टीके का पूरा डेटा क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। ये बात भी साफ है कि वैक्सीन का सुरक्षित होना बेहद जरूरी है, लेकिन चीन की वैक्सीन इस पैमाने पर काफी पीछे नजर आ रही है। भले इंडोनेशिया चीन की कोरोनावैक वैक्सीन की 50 लाख डोज ले चुका है, लेकिन फिर भी उसे भारत की कोविशील्ड वैक्सीन पर ज्यादा भरोसा है। अब इंडोनेशिया चीनी वैक्सीन से पीछा छुड़ाकर इसे खरीदने की योजना बना रहा है। इंडोनेशिया की इंडो फार्मा कंपनी कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ संपर्क में है। वहीं हाल ही में कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन ने भारतीय दूत देवयानी खोबरा गडे के साथ एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने भारत से वैक्सीन सहायता के लिए अनुरोध भी किया है। वहीं नेमपोने के अधिकारियों ने कहा है कि उनका देश कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में रुचि रखता है, क्योंकि ये दोनों ही वैक्सीन कंबोडिया के तापमान के लिए उपयुक्त है। वैसे तो कंबोडिया चीन का सबसे बड़ा समर्थक देश है, मगर इस वक्त उसे भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। चीन कंबोडिया को कर्ज देने वाला अग्रणी देश माना जाता है। उसने कई बिलियन डॉलर का कर्ज कंबोडिया को दिया है। पिछले दिनों उसने 10 लाख कोरोना वैक्सीन कंबोडिया को दी है, लेकिन कंबोडिया अपनी 1.7 करोड़ जनता के लिए भारत वैक्सीन चाहता है। इसके अलावा डोमिनिकन रिपब्लिक, बोलिविया, सऊदी अरब, मोरक्को और दक्षिण अफ्रीका को भी भारत वैक्सीन उपलब्ध कराने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि तुर्की के अधिकारियों ने भी भारत वैक्सीन खरीदने के लिए संपर्क किया है। आपको बता दें कि इससे पहले तुर्की और जाहिल पाकिस्तान ने चीन की सिनोफार्म की सिनोवैक वैक्सीन खरीदने में रुचि दिखाई थी, मगर इस वक्त 92 से ज्यादा देश भारत से वैक्सीन हेतु आग्रह कर रहे हैं। मोदी सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को कोविड-19 की वैक्सीन नहीं दी है। इस आशय में वहां से कोई डिमांड भी नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि भारत ने अपनी वैक्सीन बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और मालदीव को डोनेट की है। अफगानिस्तान और श्रीलंका की तरफ से अभी तक सरकार को रेगुलेटरी क्लियरेंस की कंफर्मेशन नहीं मिली है। स्वयं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान को G2G या फिर कमर्शियल बेसिस पर वैक्सीन दी जानी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को वैक्सीन देने का भारत का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। हालांकि पाकिस्तान में भारत की कोविशील्ड के लिए आए तो वह जरूर मची है। भारत ने कहा है कि वह जरूरतों को ध्यान में रखकर ही वैक्सीन का दूसरे देशों को निर्यात करेगा। आपको बता दें कि भारत सरकार ने जुलाई के अंत तक 30 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। 7 महीनों में 60 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, यानी हर महीने 8.5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। पाकिस्तान अपने यहां पर परमाणु बम बनाने के दावे तो करता है, मगर वह वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर सकता है। कंगाली और भीख मांगने की प्रवृत्ति के चलते इमरान लोडे की सरकार अभी तक वैक्सीन खरीदने के लिए कोई औपचारिक समझौता नहीं कर पाई है। हाल ही में पाकिस्तान की ड्रग नियामक एजेंसी नेशनल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने आपातकालीन आधार पर पाकिस्तान में 2 कंपनियों के टीके के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। इनमें कोविशील्ड और चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन शामिल है।
हालांकि पाकिस्तान को कोविशील्ड मिलने की उम्मीद इसलिए नहीं है कि इसे भारत और ब्रिटेन कई देशों को मुहैया कराने के लिए हस्ताक्षर कर चुके हैं। मजे की बात यह है कि चीन भारत में से किसी भी कंपनी के साथ पाकिस्तान का समझौता नहीं हो पाया है, जिससे मदरसा मुल्क के टोपी बाजों में नजले खांसी का संकट बढ़ता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपने देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बुरी तरह पिछड़ चुका है। उसके पिछड़ने की बड़ी वजह यही है कि उसने बहुत देर कर दी है। कई देश वैक्सीनेशन ट्रायल के दौरान ही इसको खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जबकि इमरान लोंडा घरेलू राजनीति और कश्मीर मुद्दे पर थुतनी मारता हुआ घूमता रहा है। दुनिया में भिखारी मदरसा देश के तौर पर चर्चित पाकिस्तान ने मुफ्त में कोरोना वैक्सीन पाने के लिए कोवैक्स के पैर पकड़े हैं, परंतु मुफ्त और आराम का माल सदैव लाभदायक नहीं होता है। इसके लिए पाकिस्तान द्वारा कोवैक्स की भीख बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसका कारण यह है कि कोवैक्स आनन फानन में पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन नहीं दे सकता है। इसके लिए उसे काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री के सलाहकार डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिलने की बात कही थी, मगर अब यह साफ हो चुका है कि कोवैक्स के माध्यम से पाकिस्तान को मिलने वाला टीका उसे सितंबर महीने के अंत तक ही मिल पाएगा, यानी 7-8 महीने तक पाकिस्तान को भीख की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु जिस तरह मदरसा मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर प्रभावी है, उसके बाद वहां अभी से आकार मचा है। आने वाले 7-8 महीने तक अगर उसे कोरोना वैक्सीन हासिल नहीं हो पाई तो उसकी हालत को समझा जा सकता है। अब ले देकर पाकिस्तान के पास देश में वैक्सीन लाने का एक ही तरीका बचा है, वह यही है कि पाकिस्तान की निजी कंपनियां जो दवाओं का आयात करके पाकिस्तान में वितरण करती है, वह खुद अपने स्तर पर कोरोना वैक्सीन का आयात करें। खास बात यह है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए स्थापित नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख असद उमर ने प्रांत सरकारों और निजी कंपनियों को इसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया है। पर दिक्कत यह है कि निजी कंपनियों द्वारा भी इतनी जल्दी कोरोना वैक्सीन लाना बहुत ही मुश्किल काम है। इसका प्रमुख कारण यही है कि इस समय वैक्सीन तैयार करने वाली सभी कंपनियों के समझौते वहां की सरकारों के साथ हो रहे हैं, और वैक्सीन तैयार करने की उनकी क्षमता ऐसी है कि सरकारों के साथ होने वाले समझौतों को ही पूरा करने में उन्हें महीनों लग जाएंगे। फिर देर सवेर ये कंपनियां वैक्सीन बाजार में ले भी आती है तो भिखारी मदरसा पैदाइश में हर कोई इसे खरीदने में सक्षम नहीं है। ऐसे में इमरान की मदीने की रियासत पैखाने की सियासत बन जाएगी, यानी आतंकी होने के साथ एक बदबूदार मुल्क पाकिस्तान। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।